अगर एक बार आपने दोस्तों चुकंदर को मेरे बताए तरीके से इस तरह से बनाकर खा लिया तो आप भी खून बनाने की मशीन बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में खून बनना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सब भी जानते होंगे। शरीर में होने वाले खून की कमी से हमारी सेहत पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। वैसे एनीमिया की अधिकतर समस्या फीमेल्स को ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी अक्सर खून की कमी होने पर थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन जैसी समस्या आम बात होती है। इसी के साथ कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर पर खून की कमी होने पर नजर आते हैं। अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं, आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, इससे हमारी स्किन भी बहुत डल दिखने लगती है, हमें हमेशा थकान रहती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या होती है, एनीमिक हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है और बार बार मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा चीजें, बहुत सारी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं खून की कमी होने पर उभर कर आती हैं। तो इसका इलाज करने के लिए बहुत ही छोटी सी रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि है चुकंदर के साथ। वैसे तो दोस्तों आप सब भी जानते होंगे कि चुकंदर से हम खून बनाने के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर चुकंदर का जूस पीने की डॉक्टर सलाह देते हैं, या फिर चुकंदर का बोला जाता है कि सैलेड बनाकर खाइए, रायता बनाकर खाइए, पर आपने शायद चुकंदर को कभी इस तरीके से नहीं खाया होगा। चुकंदर को अगर हम इस तरह से बनाकर खाते हैं तो एक तो स्वाद तो बढ़ता ही है, इसे बच्चे और बड़े आराम से खा सकते हैं। साथ ही इस तरीके से खाने पर चुकंदर आपके शरीर में डबल फायदा करता है। जी हाँ, चुकंदर के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो इसके अंदर जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे बॉडी में खून बनाने की प्रक्रिया को डबल कर देता है अगर हम इस तरीके से खाते हैं तो। इससे आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा सा ग्लो भी आएगा, आप ये फर्क फील करेंगे 3 से 4 दिनों में ही। अगर आपने 3 से 4 दिन भी इसको इस तरह से बना के खा लिया तो आपके स्किन में भी बहुत अच्छे से ग्लो नजर आएगा। आपको जो सांस फूलने की समस्या है वो भी कम होगी, आपकी स्किन में चमक बढ़ेगी, आपको जो थकान हो रही है, हमेशा आप थकान से परेशान होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी काम कर देते हैं तो आप थकने लगते हैं, तो इन सारी समस्याओं से आपको बहुत ज्यादा निजात मिलेगी। तो चुकंदर को एक बार इस तरीके से जरूर बनाकर खाइएगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस फ्रेश चुकंदर लेने हैं, एक दिन में एक छोटा चुकंदर काफी है। जब किसी इंसान के शरीर में रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग कम होने लगती है या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल लगातार कम होता है तो इससे ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता प्रभावित होती है। इसी तरह से जो है हम इसे मानते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी हो रही है। हीमोग्लोबिन लेवल की जब हम जांच कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा लेवल कितना है। वैसे तो नॉर्मल सेल इंसान के शरीर में 12 to 13 हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए। शरीर में खून की कमी होने पर सबसे पहले हमें जो चीज महसूस होती है वो होती है थकान। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यानी कि असामान्य हो जाती है। साथ ही सांस लेने में कमी होती है, एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी होती है, सिर में दर्द होता है, यहाँ तक कि अगर आप किसी काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। चक्कर आते हैं, पैरों में मरोड़ होता है, यहाँ तक कि कुछ कुछ लोगों को अल्सर या फिर पोटी के साथ खून आना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए इस प्रकार के लक्षण नजर आते ही दोस्तों तो तुरंत ध्यान देकर आपको खून की कमी से बचने के लिए इन चीजों का सेवन करना चाहिए। तो उन चीजों में सबसे पहले है दोस्तों बीटरूट। डॉक्टर भी आपको बीटरूट की सलाह देते हैं। बीटरूट आपने इसका जूस बनाकर खाया होगा, आज बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। बीटरूट को आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद से हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बीटरूट का कोई छिलका नहीं उतारना है। आप देख रहे हैं बीटरूट अपने रूट्स के जैसे मतलब साथ ही है, मैंने इसका एक भी पार्ट कट नहीं किया है। साथ ही इसके जो लीव्स का पार्ट है, स्टेम का पार्ट है, उसको मैंने छोड़ा हुआ है जिससे आसानी से हम इसे रोटेट कर सकें। इसे हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से छोड़ देंगे, बीच बीच में 30 से 40 सेकंड पर आप इसे रोटेट करते रहें। इसको हमें ऐसे भूनना है जैसे हम लोग भरते के लिए बैगन वगैरह भूनते हैं, उतना हमें इसको अच्छे से भून लेना है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से रोस्ट होने तक भूनेंगे, जब तक इसका छिलका जो है एकदम डार्क न पड़ने लगे तब तक हम इसको रोस्ट करते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर इसको भूनते हुए ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट हुआ है और इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर डेली अब जब जो है बीटरूट का सेवन जब शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है ये काम करना और बीटरूट को ऐसे खाना बहुत अच्छा लगने लगेगा। बीटरूट को भूनने के बाद क्या करना है, कैसे खाना है, वो आगे आप वीडियो में देखेंगे, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर बीटरूट को इस तरह से घुमा घुमा कर जब तक कि इसकी स्किन पर अच्छे से चकत्ते ना पड़ जाए तब तक आप इसको भूनते रहिए। आपको लगेगा कि बीटरूट जल रहा है, पर बीटरूट जलता नहीं है, ये अंदर से सॉफ्ट होता है। इसका जो रस होता है वो पूरी तरह से इसमें एब्जॉर्ब रहता है, कहीं भी एक भी रस गिरता नहीं है। और जब हम इसे इस तरीके से सेवन करते हैं तो हमारा शरीर खून बनाने की मशीन बनता नजर आता है। इसका सेवन आपको करना है
मॉर्निंग में आप कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर, दिन भर में एक बार एक छोटा चुकंदर तो आपको खाना ही खाना है। जिन लोगों को ये समस्या है, अगर वो 10 से 15 दिन तक इसको इस तरीके से कर लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। ये देखिए बीटरूट को मैंने इस तरह से खूब अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। अभी इसका नीचे का पार्ट है उसे भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूंगी, मतलब बीटरूट का जो जितना पार्ट है सारा का सारा वो हमें अच्छे से रोस्ट करना है। इसका एक भी पार्ट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे मैं एक प्लेट में निकालती हूँ, इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। बीटरूट जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम क्या करेंगे इसको, फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है। बीटरूट जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसका जो स्टेम पार्ट है उसे आप काट कर अलग कर सकते हैं, और इसके बाद से आपको इसके छिलके नहीं उतारने हैं, कुछ भी नहीं करना है। भरता बनाते समय तो हम लोग छिलके उतारते हैं, पर यहाँ पर हमें छिलके नहीं उतारने हैं। बस सिंपल तरीके से इसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए, जितने बड़े भी पीस आप खा सकते हैं। और ये बीटरूट पूरी तरह से मिठास से भर जाता है भूनने के बाद, इसका जो सोधा सोधा स्वाद होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से बीटरूट खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब हम इसके ऊपर से जो है थोड़ा सा क्या डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, काला नमक सबके घर में होता है। ये ब्लैक सॉल्ट जो होता है जो गैस वैस के लिए यूज किया जाता है, ये वही नमक है। इसको हम थोड़ा सा छिड़केंगे, आप चाहें तो सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हैं, जो भी नमक आपके पास है। और बीटरूट पे अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, इससे क्या होता है कि खाना आसान हो जाता है बीटरूट को, क्योंकि एकदम सिंपल होता है तो ये थोड़े से रफ स्वाद का होता है, इसको ऐसे नहीं खाया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर नमक के साथ हम बीटरूट को अच्छे से खा सकते हैं। नमक डालने के बाद आप इस बीटरूट को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। और ये जो चुकंदर का भुना हुआ चीज है, ये आपके कब्ज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा, बॉडी में खून को डबलिंग करने का काम करेगा। आपने चुकंदर का जूस पिया होगा, उससे भी ब्लड बनता है, पर चुकंदर को इस तरीके से भून कर खाने से खून जो है बनने की प्रक्रिया जो है डबल हो जाती है। साथ ही अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपकी धड़कन असामान्य हो जाती है काम करते करते, तो उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दोस्तों इस तरह से चुकंदर खाना बहुत टेस्टी भी लगता है। इसको आप खाने के साथ लेकर खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, या फिर शाम में भी खा सकते हैं, जब आपकी इच्छा करे। बस आपको पूरे दिन में एक चुकंदर तो खाना ही खाना है। आप इस प्रोसेस को कम से कम 10 से 15 दिनों तक करिए, आपको जो है अपने अंदर के चेंजेस खुद ब खुद नजर आएंगे। और दोस्तों बीटरूट मार्केट में बहुत ही इजिली अवेलेबल होता है, साथ ही बहुत ही सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाता है मार्केट में, तो आराम से लेकर आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आप अपना इलाज कर सकते हैं। कोई भी होम रेमेडी जो होती है दोस्तों वो कोई जादू नहीं होती है, बस इसको पेशेंस के साथ 10 से 15 दिनों तक करना पड़ता है, फिर इसके रिजल्ट खुद ब खुद आपको मिलने लगते हैं, क्योंकि दवाइयों से खून बढ़ाने का काम नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आप इस बीटरूट की मदद से अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं, शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा से भर सकते हैं, और फिर जो है खून बनाने का लेवल जैसे ही बढ़ेगा आप खुद से चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने खान पान पर भी ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।